दोस्तों राजवीर सिसोदिया एजाज खान से मामला सॉर्ट आउट करके खत्म करके वापस चले आए हुए हैं, लेकिन आने के बाद उनको उन्हीं के समाज के लोग बहुत ज्यादा गाली दे रहे हैं। उनको बोल रहा है कि भाई ठाकुरों को गाली दिया फिर भी तुम वहाँ पे गले मिल के आ गए, तुम उसको मारे नहीं, ऐसे बहुत सारे बात बोले गए। इसी सब का डिटेल यहाँ पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। इंस्टाग्राम पर उन्हें स्टोरी लेके आया है और उन्होंने यहाँ तक बोला है कि जो भी मुझे गालियां दे रहे हैं या फिर कहीं से भी हो, मैं उनसे मिलूंगा, उनसे जो भी होगा बात करूंगा, और वो लोग अपने हैं, ऐसा तक उन्होंने बोला है। क्या कुछ बोला है आप वो खुद देख लीजिए, सारा का सारा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा पूरी बात है, क्योंकि एक स्टोरी यहाँ पे नहीं है, उनके बहुत सारे स्टोरी को मैं एक साथ यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो भाई सारे भाइयों को राम राम और बहुत सारा प्यार। सॉरी दो दिन से भाई कोई अपडेट नहीं है, बहुत बिजी हो गया था। तो सबसे पहले तो भाई देखो चीजें खत्म करा दी महाराष्ट्र पुलिस ने, और जितने भी ठाकुर पेज मुझे फॉलो करते हैं या राजपूत हमारे भाई प्यार करते हैं ठाकुर राजपूत, एक ही चीज है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हमेशा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कहो यार बेशक इन्फ्लुएंसर हूँ, फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, लेकिन हूँ तो इंसान ही ना कहीं कभी कभी मैं भी गलत हो जाता हूँ। तो उसके लिए भाई मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सारे राजपूत भाइयों से और सारे ठाकुर भाइयों से, हमारे जितने भी हमारा समाज है सबसे भाई सॉरी बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग जो अपने आप को हमारे समाज का ठेकेदार मान चुके हैं बिना वजह, लाइफ में जिंदगी में कुछ नहीं करा, सिर्फ कमरे में बैठ के दो चार बात, और उनको ऐसे लगता है कि वो हिंदू समाज के और राजपूत समाज के ठेकेदार बन चुके हैं। तो भाई अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के चार डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना और ना ही उसका अपमान करना। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है तो मैं तो गले लगाऊंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है गले लग रहा है तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। और जो ये कह रहे कि गले लगा लिया क्यों लगा लिया, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, भाई उसने सारे ठाकुरों को गाली दी। तो भैया जब तुम कहाँ थे जब मैं मुंबई जा रहा था? अगर तुम राजपूत समाज के ठेकेदार थे तो तुम मुझे भाई फोन करते और ये बोलते कि राजवीर भाई तुम दिल के थोड़े सॉफ्ट आदमी, कोई तुमसे ढंग से प्यार से बात करता तुम पिघल जाते हो, और उसने ऐसे ऐसे बोला और पूरे समाज को बोला है, तो तुम मुझे फोन करते कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। जब तो तुम भाई कोई नहीं आया कि अगर राजवीर मुंबई जा रहा तो उससे लड़ने जा रहा, या तो पिट के आएगा या बेइज्जती करवा के आएगा, तुम्हें ये उम्मीद थी नहीं। ठीक, फिर तुम वीडियो बनाने की ताक में बैठे थे, ये तो भाग के आ जाएगा या पिट के आ जाएगा। भाई दूसरे के एरिया में, दूसरे के स्टेट में जाके, दूसरे के शहर में जाके कैसे रोला जमा लेगा कोई? तुम्हें यह था कि भाई कुछ भी होगा हम बैठ के वीडियो बनाएंगे घर बैठ के, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो भैया जब तुम कहाँ थे? अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे हम मारेंगे उसे, पूरा समाज सपोर्ट में और हमेशा रहा है मेरे। तो खैर भाई मुझे राजपूत समाज के लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है और सारे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ दो चार कीड़े बहन जो जिंदगी में कभी जो दूसरे गाँव में न गए हों, दूसरे मोहल्ले में न गए हों लड़ाई करने, वो मुझे ज्ञान चोद के बता रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए था। भाई मैंने उसे एजाज को फोन करके कमरे में बुलाया, मैंने कहा मैं रूम में हूँ यहाँ आ जा यहाँ बात करेंगे। उसने कहा नहीं भाई नीचे आ। नीचे हम गए, वहाँ जितने लोग थे वो आपने कभी मेरे साथ ना वीडियो में देखे होंगे ना किसी फोटो में देखे होंगे। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, मैं अकेला गया था अपने दम पे, मेरे साथ सिर्फ मेरा बचपन का यार त्यागी था। हम एक इवेंट में गए थे तो वहाँ जितने भी लोग थे वो इवेंट में देखे कि क्या लफड़ा हुआ है, वो भीड़ भाड़ आई है। कभी भी देख लेना आप, कोई भी इंसान कभी आपने मेरे साथ किसी वीडियो फोटो में नहीं देखा होगा। रोहित राजपूत भाई को मैं पहले से जानता हूँ, वो भी इवेंट अटेंड करने गए थे, उन्होंने भी आके बाहर आके कि भाई क्या क्या मसला है हम भी देखेंगे। उन्होंने भी वहां आके बात करी, उसको समझाया, मुझे भी समझाया। बाहर आया बंदा, गले लगा, बात हुई, बात के बाद उसने अपनी बात रखी, हमने हमारी रखी, भैसा भाजी हुई। तो भाई वहां क्या हुआ होगा कि वहां पुलिस को आना पड़ा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी, भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहां से थाने चलो या दोनों गले मिलो। दो क्लिप दिख रही होंगी आपको गले मिलने की, एक पहले की एक बाद की। तो जब पहले मिल लिए तो बाद में क्यों मिलना पड़ा? क्योंकि पुलिस ने फोर्सफुली करवाया। और जब चीजें खत्म हो गई अच्छे नोट पर, ठीक है खत्म हो गई, बात हम कर नहीं पाए, एजाज से हमारी बात हुई, उसने भी बोला कि भाई अगर तुझे ऐसे बुरा लगा है तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, तू दिल्ली चला गया, मेरा बहुत जरूरी काम था जिसलिए मुझे आ जाना पड़ा। उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ बैठ के
अगर ठाकुर समाज को कुछ लगा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई वो मेरा अटैक है ना, उसने मुझे गाली दी, मैं उससे कैसे माफी मंगवाऊं, मैं उससे लड़ूं, मरूं, उसे मारूं, वो मुझे मारे, तुम कौन हो? कुछ ठेकेदार कह रहे कि राजपूतों की बेइज्जती करवा दी, ठाकुर समाज का नाम डुबा दिया। वहां भाई अथावले जी कैबिनेट मिनिस्टर गले में माला पहना रहे हैं, बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर अवार्ड दे रहे हैं, उससे समाज का नाम होगा या सड़क पे छिचोरों की तरह लड़ता फिर उससे समाज का नाम होगा? भाई ये बता दो पहले मुझे। तो भाई ये जो एक दो हैं, इन्होंने जो गालियां वालियां दी हैं मुझे माँ की बहन की, खैर हमारी समाज के क्या ही ना बोले, गाली वाली तो भाई हम तो देवे ना, और ना ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, मैं मिलके बात करूंगा, ठीक है? जो तुम्हारी कीड़ा ना गाली देने का और कमरे में बैठ के वॉरियर बनने का, योद्धा बनने का, मैं बनाऊंगा तुम्हें योद्धा, बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा और देखूंगा तुम कितने बड़े समाज के ठेकेदार हो, ठीक है ना? और इतना ही दम है, मैं दोबारा फ्लाइट करवा दूं, दोबारा चलो मेरे साथ, जो जितने ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ये करना था वो करना था, तुम्हारी हो ना फ्लाइट करवाओ, वहां जाके जाज को एक बार बोल के देखो ये कि हम यहां बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, आज में दम है तो टांगे ना ऐसे ऐसे कांपेंगी, गाना नहीं होने का, वापिस भी आ जाओ। और जो ये कह रहे बेइज्जती करवा दी, भाई कोई मेरे मोहल्ले में आके मुझे ये कहे तेरी दम है ना, मेरे सर का बाल छू के दिखा दे राजवीर सिसोदिया, दूसरे स्टेट से आके अकेला, और वो ठीक ठाक चला जाए, तो उसमें उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है? कमाल है यार भाई, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्फ्लुएंसर भी है। अब वहां छपरियों की तरह लड़ूं मैं, रोड पे कपड़े फाड़े एक दूसरे के, फिर लोग वीडियो बनाए ये देखो ये है सोशल मीडिया के असली इन्फ्लुएंसर, इनको लोग फॉलो करते, कैसे सड़क छाप गटर छाप लोगों की तरह सड़कों पे लड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, पुलिस आके उठा के ले जाए, अगले दिन फिर जमीन पे बैठ के फोटो आए अखबार में, वो है ऊपर से पुलिस है प्रशासन है, इधर इवेंट करवाया, अभी एक मंत्री मुझे अवार्ड पहना के गया, थोड़ी देर बाद उस मंत्री के पास बात जाए, बात पास बात पहुंचेगी, जिसको भी आप माला पहना के आए अवार्ड दे गए, वो सड़कों पे ऐसे लड़ रहा है छिचोरों की तरह। सारी चीजें सोचनी पड़ती है भाई, किसी की माँ को बहन को गाली देने से पहले ना, खैर दे दी वो बहुत बढ़िया बात है, मैं जल्दी मिलकर मुलाकात करूंगा, ठीक है? और भाई जितने भी ये ठाकुर पे सपोर्ट करते हैं, जितने भी ठाकुर भाई हमारे, सारे सपोर्ट में रहते हैं भाई, बहुत सारा प्यार आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, और तुमसे बोल रहा हूँ, इन से नहीं बोल रहा भाई, आज के ठेकेदारों से तुमसे बोल रहा हूँ कि कहीं भी मैं गलत होता हूँ तो देखो यार इंसान हूँ, छोटी मोटी गलतियां मेरी भी इग्नोर कर दिया करो, माफ कर दिया करो, भाई हो आप सारे मेरे, मेरे समाज के हो, मेरे ब्लड के हो, ठीक है? तो भाई कुछ भी गलती मुझसे हुई है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोई गलती की नहीं है, चीजें बहुत समझदारी के साथ करनी पड़ती हैं, है ना? और तुमको भी एक चीज समझाना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, कभी भी जिंदगी में कोई झगड़ा होता है और अगर वो प्यार से खत्म हो रहा है ना, अपना ठाकुरपना, जाटपना, यादवपना, गुजरपना, पंडितपना या व्हाटएवर जो भी तुम्हारी कास्ट है, उसको साइड रख के ना उसको प्यार से खत्म कर दो, क्योंकि इतने से झगड़े में खानदान खत्म हो जाते हैं। ये बातें कुछ नहीं होता, हमने देखे भाई, जेल हमने काटी ना, 10 दिन जेल जाना पड़ गया ना, फट के हाथ में आ जाएगी। कभी भी कोई भी झगड़ा है, प्यार से खत्म हो रहा है, तो उसको प्यार से खत्म कर दो, नो मैटर किस किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है। तो भाई बस इतना ही कहना था, और किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो भैया सॉरी, लेकिन मैं तो सच बोलता हूँ और सटीक बात बोलता हूँ, ठीक है? जिंदगी में कुछ भी कर लेना, सिर्फ माँ बाप काम आएंगे, बाकी कोई भी ना आवे, कोई समाज नहीं आता, कोई धर्म नहीं आता, तुम्हें जेल की खिड़की पर मिलने, ठीक है? और जो ये ठेकेदार बन रहे हैं, समाज के बहुत बड़े धलेड़ बन रहे हैं, उनसे भी कह दूं तुम्हारी दम हो ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पियाया हो, कभी जिंदगी में कभी भी दूसरे स्टेट में जाओ और दूसरे धर्म के इंसान से इस तरह से पंगा लेके देखो, और अकेले वहां जाके दम रखो कि माँ अकेले जा सको और उसके सामने खड़े हो सको, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि सामने से 10 आ रहे हैं 20 आ रहे हैं 50 आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, बस फोन आया आ गया हूँ आ जा। मुझे एक रील है ना जिसमें फोन पर बात करते हुए राइट में जा रहा हूँ, वो अजाजी आया मिलने, मुझे नहीं पता कितने 100 आए 200 आए 500 आए, फिर भी गया ना, दम हो ना जाके दिखाना, तब मानूंगा बहुत बड़े धलेड़ हो।